गाइस हाउ आर यू, वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग। सो आज का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक इज़ नेसेसरी, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़ा क्वेश्चन तो सिंपल है, मैं एक बार में आंसर दे देता हूँ कईयों को, बट टेक्स्ट बुक नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आपका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल में आपको ई टेक्स्ट प्रोवाइडेड होती है। टेक्स्ट डीएम एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें फ्री एक्सेस देती है हमारी आईडी को बुक पढ़ने के लिए। ये एक ऑनलाइन पीडीएफ फाइल है, हालांकि आप डाउनलोड नहीं कर सकते इसको, तो इनका अपना होता है सिस्टम, तो ये टाइड अप होते हैं। तो अगर आपने बाय करनी है तो आपको यू हैव टू पे $150 फॉर वन बुक। तो $150 इज़ वेरी कॉस्टली। $150 में आप तो बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, लाइक रेंट रेंट का आप कर सकते हो, आपकी मंथली ग्रोसरी निकल सकती है। तो हालांकि मैं टेक्स्ट बुक नहीं यूज़ करता, तो मैं जो हमारा स्टूडेंट पोर्टल होता है, स्टूडेंट पोर्टल को खोलो, उसमें जाके आपको ई टेक्स्ट पता लग जाएगा। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर में दिखा देता हूँ मेरी ई टेक्स्ट होती कैसी है। तो अभी मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ, और गाइस ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा हर वीडियो में कि जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं 1 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग रखूँगा, और आप लोग टाइमिंग बताओगे कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा। यहाँ कनाडा को रात में रखूँ लाइव स्ट्रीम कि मॉर्निंग में रखूँ, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप उससे ये फ़ायदा होगा, मैं एट ए टाइम सबकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए तो मैं लाइव ज़रूर होऊंगा। 700 सब्सक्राइबर्स हो गए, सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मुझे पता है हो जाएंगे आराम से, क्योंकि कंटेंट आपको मिल रहा है। हर हफ्ते 2 वीडियो आ रही हैं, और मैं अभी बना रहा हूँ, चलते चलते मैं बना ही देता हूँ। कोई क्वालिटी क्वालिटी नेसेसरी है, बट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं, शायद वो भी बहुत नेसेसरी है। और अच्छी लग रही है इन्फॉर्मेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी वीडियो, और मुझे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो मैं अभी क्लास में चला जाता हूँ, ठीक है। क्लास में जाके मैं आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखाऊंगा। स्टूडेंट पोर्टल दिखाने से, पर मैं क्लास में बोलूँगा नहीं, स्टूडेंट पोर्टल आपको दिखा दूँगा, फिर बाद में उसकी बैकग्राउंड ऑडियो मैं अलग से रिकॉर्ड करके बता दूँगा, ठीक है। ई टेक्स्ट होती कैसी है? टेक्स्ट बुक वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर आपने लेनी है तो आप ले सकते हो। मेरा तो बिना टेक्स्ट बुक के सर जाता है, मेरा वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट कोर्स है, पूरा कंप्यूटर का कोर्स है, इसलिए क्या पता आपको ज़रूरत पड़े, बट मेरे हिसाब से नहीं पड़ती। वैसे अगर आपको लेनी है टेक्स्ट बुक, तो आप लाइब्रेरी जाके इशू करा सकते हो। अगर आपने नहीं पैसे खर्चने, यू कैन गो टू लाइब्रेरी विद योर वन कार्ड। आपका एक वन कार्ड बनता है कॉलेज का, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन और वन कार्ड कैसे लेते हैं अपना, ठीक है। तभी मैं क्लास में जा रहा हूँ, मिलते क्लास में। सो गाइस ये देखिए, ये है एक पोर्टल, इसे कहते हैं ई कॉर्नेस्ट होगा वेबसाइट। आप गूगल पे ई कॉर्नेस्ट होगा लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर ये एक इंटरफेस ऐसा खुल जाता है जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना पड़ता है। हालांकि जैसे अगर आपका आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको वो वहाँ से पता कर लग जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जब आप जाओगे, ठीक है। तो जो पासवर्ड होता है वो कैपिटल सी और स्मॉल सी, बाकी आपकी जो स्टूडेंट आईडी आपकी ऑफर लेटर में लिखी होगी वो होगा, ठीक है। तो फिर आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो नीचे आप अगर आप भूल भी जाते तो फॉरगेट पासवर्ड होगा। तो मैंने ये लॉगिन कर लिया, और मैं आपको इसमें आपके अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा, मेरे कितने मार्क्स हैं। थोड़ा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कभी 60% 70% भी नहीं आए थे, और यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है, मेरे फील्ड का कोर्स है। इसलिए जब भी आप कोई कोर्स चूज करो ना, अपना इंटरेस्ट का चूज करिएगा, ठीक है। सर ये देखिए, यहाँ मेरे सब्जेक्ट हैं ये सारे। तो मैं आपको पहले इमेज मैनिपुलेशन जो फोटोशॉप है उसमें मार्क्स दिखा देता हूँ कितने हैं। 97% प्राउड ऑफ मी, बट 97% ये अभी अभी मुझे पूरे ग्रेड्स लगने हैं इसमें, ठीक है। हर एक असाइनमेंट 1-1% की होती है, और प्रोजेक्ट 10% का होता है। और जैसे रिस्पॉन्सिव साइट डिज़ाइन है उसमें 85% है, क्योंकि मुझे HTML अभी अच्छी तरह आती नहीं, मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगा। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, और आप इससे मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए शुरू शुरू में, ठीक है। तो यहाँ कंटेंट में जाके अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे,
टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्लान होता है जहाँ पे सब पता लग जाएगा आपको कि कौन सा चीज़ कब होनी है, पेपर कब है, असाइनमेंट कब है। यूअर ई टेक्स्ट पे क्लिक करने पे टेक्स्ट ईडीएम खुल जाएगा जो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, ठीक है। अब आप ई टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ई टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी बुक खुल जाएगी। हालांकि अगर आपको ये इसको बाय करना है, $150 की बुक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए, क्योंकि आपको फ्री में मटेरियल जब मिल रहा है ऑनलाइन तो फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड भी इसे पेड होती है, ठीक है। तो ये है, आपको दिखा दिया। और यहाँ पे लेफ्ट राइट से आप पन्ने पर पलट सकते हो, आगे जाना है, पीछे जाना है, और वहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हो। तो यही है, तो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। सुबह अभी मैंने आपको दिखाई थी कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, शेज अंजलि एंड शेज तानिया एंड वो प्रदीप भाई। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि असाइनमेंट्स कौन से होते हैं, और अब मेरा प्रोजेक्ट वगैरह मैंने आपको बताया, मेरा स्टूडेंट पोर्टल क्या है और कितने मार्क्स हैं। तो टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन कर सकते हो ना अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस है, आप सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फिर आपको $150 टेक्स्ट बुक पे लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगाने भी आप लाइब्रेरी जाके इशू करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द सेविंग ऑफ यू। या उससे आपका 1 month की ग्रोसरी भी हो जाएगी। बिल्कुल। सो अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। बाय बाय अंजलि, कह दो। टेक केयर। तान्या भाई कह दो ऑडियंस को। प्रदीप भाई बाय।